मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीनों फॉर्म बता दी थी, याद है ना आपको? अच्छा, और नॉर्मल की भी एक फॉर्म बता दी थी, याद होगा आपको, है ना? नॉर्मल की भी एक फॉर्म बता चुका हूँ, टेंजेंट की तीनों बता चुका हूँ। टेंजेंट की दो ही बताइए, पैरामेट्रिक बता दी होगी और कार्टेशियन, और तीसरी स्लोप फॉर्म, तीनों बता दी ना। और एक आपको ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, ये भी बता दिया, ठीक है। अपना कितना 10.9 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ, ठीक है। 10.8 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म बताई थी मैंने, ज्यादा क्लास दिया था। नॉर्मल भी बता दी क्या? कौन सी? ए एक्स सेक थीटा बता दिया ना। तो फिर अपन लास्ट पेज मतलब बराबर पे रोकर गए, बस इतना ही है, ठीक है। फिलहाल तो अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब अपन आते हैं 11 डायरेक्टर सर्कल, ये बता दिया। अरे वाह, डायरेक्टर सर्कल भी हो गया, ठीक है साहब। फिर अपन अपनी तरफ से तो मतलब थियोरेटिकली तो मतलब चाक चौबंद चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा इफ लाइन इज टेंजेंट टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। देखिए साहब, हमारी लाइन y माइनस एक्स प्लस लैम्डा है, हाँ है ना? कोई इसको देख के अंदाजा लगा सकता है कि m की वैल्यू माइनस वन और c की जगह लैम्डा है? अगर लाइन दावा करे कि ये टेंजेंट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि लाइन इज टेंजेंट इफ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ आर, हाँ या ना? ए स्क्वायर बोलो आप, 16, गुड। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और बी स्क्वायर 9, तो आंसर इज प्लस माइनस रूट 5, डन। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। अब आप में से कई लोगों को 16 नहीं दिखा होगा, उनको दिखा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में 16 नहीं है, 144 होने पे 16 है, ठीक है, कर दिया 16 इसका आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा 16 वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, अब ठीक है, आंसर बना दिया मैंने इसका, ठीक है। चलिए, गलती भी ठीक हो गई। अगला लाइन, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रूट 3x एंड एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालनी है। आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो इसकी कॉमन टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a, तो बोलो बाय m, है ना भाई? अच्छा, अगर बाय द वे इसकी कॉम इसके टेंजेंट की बात करी है तो इसका टेंजेंट होगा y बराबर, अब तक इसकी शक्ल सुधार दूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यही है ना? तो ए स्क्वायर की जगह 2 एम स्क्वायर प्लस 4
नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ये देख लेना, ए और बी बराबर है ना, बड़ा कौन है, तो क्या लिखूं, उल्टा कर दूं, बी स्क्वायर एम स्क्वायर कर दूं, पक्का सोच लिया आपने, प्लस टू कर दूं, श्योर? हाँ, ये कैसे करोगे कंफर्म, ये कैसे कंफर्म करोगे आप, ये बताओ कि ये सही है कि गलत है। बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, पता कैसे करोगे, ये तो कमाल है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आई थी उस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता बी और ए पे नहीं डिपेंड करता। पूरी कहानी शुरुआत कहां से हुई थी, सारी कहानी की शुरुआत जहां से हुई थी वहां पे पहुंचो आप। आपको ये ध्यान आना चाहिए कि आखिरकार ये आया कैसे था, ये फार्मूला आया कैसे था, माने सी की वैल्यू कहां से आई थी, तो आपको उधर किसी डी इक्वल टू जीरो से आई थी। अब डी किसका था, क्वाड्रेटिक का डी था, क्वाड्रेटिक कौन सी थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किससे भिड़ गया था, पैराबोला से, पैराबोला में वाई की जगह रखा गया था, नहीं याद आया? तो अपने लिए इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, भाई आपका ए बढ़ाओ चाहे बी बढ़ाओ, दोनों ही केसेस में इक्वेशन वही रहती है, नहीं आया समझ में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ही रहती है, चाहे ए बढ़ाओ चाहे बी बढ़ाओ, पहले आप इस पर दिमाग लगाओ, हाँ या ना? और वाई की जगह आपको क्या रखना है, एम एक्स प्लस सी ही रखना है, हाँ या ना? तो फिर सारा काम तो वही वाला चलेगा जो इसका चलेगा, तो फार्मूला भी वही लगना चाहिए, नहीं है? हाँ, तो ये जो है ना, ये भ्रम है, ये जो कि ए के बड़े होने पर अपन को बी स्क्वायर एम स्क्वायर करना है, गलतफहमी है आपकी, ये लिटरली वही रहना चाहिए जो पहले वाले में था, क्योंकि दोनों ही केसेस में पैराबोला बिल्कुल नहीं बदलता, नहीं आया समझ में? पैराबोला तो वही रहता है, चाहे ए बढ़ाओ बी से चाहे बी बढ़ाओ ए से, भाई आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो थोड़ी ना बदल जाता है, सही है? दैट इज नथिंग बट टू एम स्क्वायर प्लस 4, बहुत काम की चीज, अक्सर इस जगह पे स्लिप हो जाता है बच्चा कि अच्छा सर ए बी से बड़ा है तो उधर कर देता हूँ। एनीवे चलो अभी तो बच गए, क्या करना चाहिए, हाँ, अरे कंपेयर, नहीं है? इसका m बाई m इज इक्वल टू इसका y, इसके y का कोऑर्डिनेट बोलो, कोफिशियंट माइनस 1, अरे ये ऐसा लिखा हुआ है, एम एक्स माइनस वाई प्लस 4 अंडर रूट 3 बाय एम इक्वल टू 0, अरे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नहीं आता आपको, एक लाइन लिखनी है ना, अच्छा चलो माइनस 1 अपॉन इसका भी माइनस 1 इक्वल टू उसका सी 4 रूट 3 बाय और इसका सी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 2 एम स्क्वायर प्लस 4, ये तो होगा, ये तो 1 ही लिखा है, वो भी 1 ही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हर बच्चे को पता है कि ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 बाय एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर कितना 2 एम स्क्वायर प्लस 4, यही तो होगा। अब क्या करना है बोलो आप, स्क्वायर, सही है ना भाई? अगर अपन स्क्वायरिंग कर दें तो कितना हो जाएगा साहब, 48 बाय एग्जैक्टली, और यहाँ कितना हो जाएगा, अब क्या चांस है अपने पास, एम टू द पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, यही होगा, नहीं है? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉमन भी ले लिया, हटा भी दिया, नहीं है? और क्या किया जा सकता है, तोड़ो 604, अरे बोलो, पक्की बात है ना? तो क्या तोड़ना था, एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर माइनस 4, देख लें एक बार, एम की पावर 4 आ गया, 2 एम स्क्वायर आ गया, माइनस 24 आ गया ना, नहीं आया? एम की कितनी वैल्यू आ रही है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं चलेगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चलेगा, और एम की वैल्यू आ रही है प्लस 2 एंड माइनस 2, ठीक है ना? तो इक्वेशन भी हो गई, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 4 रूट 3 बाय 2, और दूसरी इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 बाय माइनस 2, लीजिए साहब डन हो गया, ठीक है? एक और एडवांस का क्वेश्चन आपसे बन सकता था, बन गया, ठीक है? अब अपन देखो कॉमन वाले जितने क्वेश्चन हो सकते उतने करते जा रहे हैं, नहीं आया? आ गया ना, आगे बढ़ेंगे अपन,
हाँ भाई एक जबरदस्त क्वेश्चन करके बताइए। फाइंड डायरेक्टर सर्किल फॉर एक्स स्क्वायर बटा 16 वाई स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू 1 करो। बन रहा है क्या किसी का? देख के ही करना है, ये ओरल क्वेश्चन है। ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है? होता कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये ना होकर के होता फाइंड डायरेक्टर सर्किल फॉर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 6 और यहाँ होता वाई प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, देन डायरेक्टर सर्किल होता एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 9। हाँ है ना? सो इजी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स फ्रॉम 2, 3। पहले तो ये देख लो 2, 3 है कहां। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ 2, 3। इससे पहले कि आप भाग जाओ आगे, 2, 3 पता है कैसे चेक करते हैं? मैं रख के दिखाऊं। 9 × 4 प्लस 16 × 9 माइनस 144। पॉजिटिव है नेगेटिव? ये दो ही कट गए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? माने आउटसाइड या इनसाइड? कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं? हाँ, दो टेंजेंट चलेंगे। दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, और अगर दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं तो कौन सा फॉर्म लगाऊं? कार्टेशियन या स्लोप? स्लोप लगा दूं। अगर मैंने स्लोप फॉर्म लगाया तो लीजिए साहब स्लोप फॉर्म तैयार है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज यूजिंग स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू कितना? mx प्लस माइनस अंडर रूट 16 एम स्क्वायर प्लस कितना? 9 का स्क्वायर। 9 हाँ है ना? नहीं है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और ये किससे पास हो रहा है? पासिंग थ्रू 2, 3। तो मुझे वाई की जगह पे 3 और यहाँ पे कितना रखना चाहिए? 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। कई लोग दौड़े हैं पता है आपको, उन्हें स्क्वायर स्क्वायर सब दिखता है यहाँ। 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस का 12m बराबर में 16m स्क्वायर प्लस 9, राइट है? सबको एक तरफ लाने पर 12m स्क्वायर प्लस का 12m, और ये 9 तो कट गया। क्या कहते हो आप? m की ये अपने से गलती तो नहीं हो गई है ना? तो m की दो वाली चमचमाने लग गई, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस 12। m की वैल्यू अगर 0 हो गई तो याद है, अरे वाह, m इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, सही है। एम की वैल्यू 0 और माइनस 1, डन। हाँ भाई, लेकिन आपको याद है ये वापस यहाँ नहीं खर्चने, सिखाया था मैंने आपको सर्कल में भी, गलती से भी यहाँ नहीं खर्चने। अगर इसमें रख दिया तो भूल जाओगे, वापस कभी क्वेश्चन भी नहीं करोगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2, याद नहीं आया? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 5। याद आ गया? हाँ, हमें m की जरूरत जरूर होती है, लेकिन ये सिर्फ m निकालने तक ही काम आता है। वापिस इसी को दे दिया तो गलत उतर जाओगे, बैठे कहीं नहीं है। हाँ, ये मैंने सर्कल में भी बहुत गाया था, ये चोट देता है ना। एनीवे, अपन इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे कुछ क्वेश्चन टेंजेंट पे हो गए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने
अभी और भी आ गए बटन है, फिर देखते हैं क्या और बाकी है। क्वेश्चन है टेंजेंट्स टू एलिप्स मेक्स एंगल एंगल्स थीटा वन एंड थीटा टू विद मेजर एक्सेस फाइंड लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ कॉट थीटा वन कॉट थीटा टू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। थ्योरी पढ़ाते टाइम पे ही मैंने चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी कि वो जरूर कॉट पे आएगा, याद करो आप मेरी बात, आपको याद आए तो ठीक है। मैं एक मिनट के लिए थोड़ा बीच में से ले रहा हूँ आपको, ठीक है, पहले एक बार समझ लेना फिर इकट्ठे आप कॉपी कर लेना। ये टेंजेंट गया और यहाँ से एक और टेंजेंट गया, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल बना लिया, इसने थीटा टू एंगल बना लिया, ठीक है। हम क्यों इनको पी ओ आई माने एच कोमा के का लोकस बताने का है, राइट है। अच्छा जब मैं ये बता रहा हूँगा तब तक आपसे कुछ छोटी छोटी बातें और याद दिला देता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो हमारी बात जरूर हुई है m1 प्लस m2 बाहर के किसी पॉइंट h, k के लिए इस समय पर, क्योंकि बाहर से टेंजेंट बन रहा है इसलिए y इज इक्वल टू mx इज प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। अरे याद है ना, बाहर से जब भी टेंजेंट बनेगा उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा तो फिर स्क्वायरिंग होगी, फिर अपने को पता है m में दो रूट आएंगे और जब दो रूट आएंगे तो हमारे पास में टू अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम वन एम टू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। हाँ यहाँ भाई याददाश्त, मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे ही पैराबोला क्रॉस मतलब मैया मोरी मतलब मेमोरी है, बस इसी पे खेलता बच्चा, एक पत्ते पे खेलता है, एक पत्ते पे और जबरदस्त खेलता है। अच्छा डिमांड क्या है साहब, कॉट थीटा वन कॉट थीटा टू बराबर लैम्डा स्क्वायर गिवन है, सही है। अगली लाइन में मैं लिखा टेन थीटा वन टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन टेन थीटा टू बराबर में कितना लैम्डा स्क्वायर। आपकी नज़र में ये जो है लाइन इसकी स्लोप एम वन है और ये लाइन की स्लोप जो आपको एम वन दिख रहा है वो हमें ये हमें, तो हमार को टेन थीटा वन की जगह एम वन प्लस अपॉन बराबर में लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएगा टू के एच अपॉन ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये और ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही आंसर तैयार बैठा है, आप बोलो तो यही लगा लेते हैं लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोचना इज इक्वल टू टू के एच माने टू एक्स वाई। लो साहब लोकस आ गया, कुछ भी नहीं करा सिर्फ वैल्यू उसी में पुट करिए, ठीक है। ईजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल, खटाखट कर लें आप। अगर इस एलिप्स के ये हो गया, देखिए सब मजेदार है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है।
ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, पॉइंट जो दे रखा ना, थ्री रूट थ्री कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इसको अगर आपने इलिस में रख दिया ना, तो ये 27 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 27 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। रख के देख लो, भले आप एक्स की जगह रख लो, नहीं आया समझ में, क्या आया, सेटिस्फाई किया या नहीं किया? अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। हाँ यार, तो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? तो कहना मतलब ये कि सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब ये कि 100% है कि पॉइंट ऑन एलिप्स है। अगर पॉइंट ऑन एलिप्स है तो आपका एमएक्स वाला फंडा फेल हो गया, वो तो तब यूज में आता है जब पॉइंट आर हो। इसका मतलब ये, ठीक है ना, पॉइंट लाइन ऑन एलिप्स, अगर पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है तो सीधी सी बात, यूजिंग, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, अरे चलेगा ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की कौन सी फॉर्म लगा दूं, कार्टेशियन। अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म लगाते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म थी एक्स एक्स वन, याद आया, प्लस वाई वाई एक्स एक्स वन अपॉन, याद है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, तो एक्स एक्स वन की जगह थ्री रूट थ्री कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर की जगह 27, सही है, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन की जगह साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये आपकी ईओटी आ गई, सही है। और ज्यादा ज्यादा आप मारपिटाई इतनी कर लोगे और कितना कर लोगे, यही तो रह जाएगा। और ज्यादा मन में आ जाए कि रूट थ्री भी उड़ा देना है तो 3 रूट 3 कर दे भाई, नहीं है क्या, आपको दिख गया नहीं दिखा, यहां तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिख गई ना। अब कहानी में कौन सी किसकी सम ऑफ, जब इंटरसेप्ट की बात चली और आप इंटरसेप्ट पे ही नहीं आओगे तो क्या मतलब है, अभी आप ईओटी लेके बैठे रहोगे, मतलब बेकार है। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को यूज एस कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। क्या आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म ये खुद ही है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर 1 ही तो चाहिए होता है, ठीक है। तो इट इज, लिख भी देता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ, बोलो आप, 3 रूट 3 sec थीटा, सोचो, नहीं याद आया। और y इंटरसेप्ट कितना हुआ सा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू cosec थीटा, बराबर है ना भाई। और अगले ने बोला सम ऑफ इंटरसेप्ट, अगर आप इसे सम ऑफ इंटरसेप्ट बोले तो कितना, 3 रूट 3 sec थीटा प्लस cosec थीटा, यही तो होगा सम ऑफ इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन वाला क्या कहते हैं कि सम ऑफ इंटरसेप्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम, यहां कैसे लाओगे मिनिमम। हाँ, अब आपके पास एक चॉइस बच रही है, कि आपके पास में चॉइस क्या है कि मिनिमम लाना है, तो लेट जेड इज इक्वल टू 3 रूट 3 sec थीटा प्लस cosec थीटा dz बाय dx कर दूं, d थीटा, बराबर है, 3 रूट 3 sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, cosec थीटा का माइनस cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू 0 कर दूं। सेकंड डेरिवेटिव चेक ही नहीं करेंगे हम, तो मान लेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है z की, मतलब जो वैल्यू आएगी थीटा की, बराबर है, नहीं है। अरे किसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए करते हैं ना डिफरेंशिएट, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 3 रूट 3 sec थीटा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, जानकार बच्चे के लिए सोचना, यही लिखा है, इक्वल टू मैं ये माइनस वाले को उधर लेके आऊं, cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, सोचो क्या कहते हो आप, sin स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज रहा हूं तो ये पलट के जाएगा, तो आप में से कोई समझदार व्यक्ति है तो वो समझ गया, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/3 √3, 1/3 √3 को भी अपन ने रूट थ्री का होल क्यूब बोल दिया भाई, नहीं है तो कोई बता पाएगा कि इसका मतलब हो गया tan थीटा बराबर, इसका मतलब थीटा बराबर, थीटा बराबर, हाँ थीटा बराबर 5/6, सही है। सो थीटा इज 5/6 फॉर द मिनिमम सम ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेंस में, क्योंकि एडवांस में आ चुके हैं, एडवांस बहुत पहले ही ये सब उठा चुका है।
if tangent of ellipse standard at point P whose foci are S and S dash meets TV at A and A dash. नहीं, meets TV हाँ at A and A dash to V and V dash. TV from होगा यार, ये मैं यही सोच रहा हूँ, from A and A dash, ठीक है, at V and V dash. Then first option is AV dot A dash V dash is equal to B square. Second is AV A dash V dash is equal to A square. Third, angle VS V dash is equal to 90 degree. And D, none of these. My fourth is none of these. ठीक है, ज्यादा उधर हो गया ना, इफ टेंजेंट ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स एट पॉइंट पी उस फोगाई आर एस एन एस डैश. पहले तो अपन ये बकवास इसकी यहां पे खत्म कर लें. ये अपना स्टैंडर्ड एलिप्स, इसकी दो फोकस, नाम एस और एस डैश, ये बिल्कुल गलत है, आपको ध्यान बाद में पड़ेगा. हम जो है ना, हमारी आदत होती है थोड़ा एस और एस डैश को थोड़ा सेंटर के पास रखने, जबकि ये बहुत दूर होती है, ये वटे से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है. एनीवे, है ना, अपन तो काम निकाल लेंगे. ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट पी. अब इसका टेंजेंट भी बनाओ भाई किसी जगह पे. लो भाई, टेंजेंट बन गया. इस पॉइंट ने कह दिया, मैं क्लेम कर दिया भाई मैं पी हूँ. ठीक है, मीट्स टीवी एट ए एंड ए डैश. ए और ए डैश तो इसके वर्टेक्स हैं. टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स एट ए एंड ए डैश. ए और ए डैश को, ए और ए डैश पे जो टीवी बना उसको ये टेंजेंट मिलता है वी और वी डैश पे. समझ रहे हो बात को? इंटरेस्टिंग, इतना घुमा देता है ना वो, आपको बिल्कुल पिदा देता है. आपको लगता है लास्ट में ये छोड़ दो, जबकि एक बस एक बार डायग्राम सही बन जाए फिर देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है. रेडी, दिमाग लड़ाते हैं. अगर देखा जाए तो टेंजेंट की बात हो रही है, सही है? कोई बता सकता है टेंजेंट क्या होता है? अच्छा, ये पॉइंट पी अगर अचानक मानना पड़ गया तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ले लूं, तो ईओ टी भी ऑटोमेटिकली, अपन ने ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया क्या, कि अब हो गया एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई, हाँ सोचो, एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइड बाई इज इक्वल टू वन. श्योर है? कैसे किया? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन. आज भी टेंजेंट का फॉर्मूला वही है साहब, और एक्स वन की जगह ये रख दिया, अपने आप बन गया है. अच्छा, जो बना अभी उसको टच नहीं कर रहे, तब तक आप इसमें और दिमाग लड़ाओ कि ये लाइन क्या होती थी, वाई इज इक्वल टू ए बाई, और ये क्या होता था साहब, वाई था या एक्स था? अच्छा एक्स, और ये क्या था, एक्स इज इक्वल टू. अच्छा, और सोचते हैं ये जो पॉइंट होगा इस पर कुछ खास बात होगी, एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू ए ले लूं क्या? अरे वाह, आपने तो और करेक्ट कर दिया, क्या बात है. टेंजेंट एट वर्टेक्स ए और माइनस है बराबर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये पक्का हो गया साहब. और अगर मैंने एक्स की जगह ए लिख दिया तो कट गया, y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू ए रख ही देते ना, क्यों सोच रहे हो आप? cos थीटा और y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1. हाँ साहब, जैसा बताया जा रहा है y sin थीटा यही रखता हूँ और b को उधर भेज दूंगा, और इंटू में 1 माइनस cos थीटा. सोच लो, तो y इज इक्वल टू कितना, b ब्रैकेट में
वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई ए क्या साइन थीटा, ओके सॉरी हाँ ये वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या निकले, ए वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई बी और ये साइन थीटा बराबर। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट तो माइनस ए हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट अगर माइनस ए हो गया तो माइनस का कॉस थीटा तो इधर आकर प्लस का कॉस थीटा, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बी ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्या मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ए भी दे दिया है? सोचो यहां ए भी कौन आ गया भाई, सोचो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आप जानते हैं, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू तो ए भी होगी ठीक है, तो आपको पता है इसका वाई कोऑर्डिनेट कौन है, बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ए डैश वी डैश क्या है, बी इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्वेश्चन में पहला जो हमने देखा था ए वी इंटू ए वी डैश देखे थे पहले, दो क्या कहते हो आप, ए डैश वी डैश कर दूं, इसका मतलब हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज बी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कर दूं स्क्वायर कर दूं उड़ा दूं तो आंसर ए सेट हो गया, सही है ऑप्शन ए तो बैठ गया। अच्छा अब ये वी एस वी डैश भी देख लो एक बार जरा, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट हो जाए तो, जानते हैं आप वी एस वी डैश क्या ये 90 बन जाएगा, दिमाग लड़ाने का टाइम, ये पॉइंट तो बोल दो छोड़ो आप, सोच लिया आपने हाँ, अब जब ये सोच लिया तो ये भी बताओ कि एंगल देखने के लिए क्या चाहिए, कैसे जाऊं, रास्ता तैयार करो स्लो, एम वन सोचे एम एस वी बोलो बी ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन ए ब्रैकेट में वन माइनस ई नहीं है, अच्छा और हाथों हाथ इसकी गुणा भी कर देता हूं एम एस डैश वी डैश वो भी बोल दो, अरे वो उसमें से घटाने तो है, इनटू में कितना बी बोलते जाओ वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वही जीरो अपॉन ए ब्रैकेट में ए थोड़ी ना होगा माइनस ए माइनस ई तो माइनस ए कॉमा ले लो वन प्लस ई सोच लेना नहीं आया, अरे वाई टू माइनस वाई वन और कर दिखने में थोड़ा गंदे लगेंगे आपको क्वेश्चंस, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेंगे लेकिन ठीक है एक बार एक क्वेश्चन कर लो आप, आपको तृप्ति हो जाएगा कि हाँ साहब किया है आपने कुछ काम। फोटो तो मिटा दूं, हाँ भाई
फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन आप ही के पार्ट का है, ठीक है। एक नॉर्मल टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस एलिप्स से बनने वाला नॉर्मल टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो जो ट्रायंगल बनाते हैं उसके मिनिमम एरिया होने पर कितना होगा एरिया। हाँ भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, आप ज़्यादा टाइम लगे। हाँ सही है आंसर ए बी अगर है तो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई ए, अरे वो जनरल पॉइंट तो अपन ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेंगे ना, तो एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई वाई साइन थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल 1। इसका मतलब ये कि मैं पहले इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बनाता हूँ ना, ना क्या जरूरत है, सीधे ही आपको पता ही होगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। आप बता सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, ए sec थीटा और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, ए cosec थीटा बी cosec थीटा, सही है। अच्छा ये कह रहा है कि ये जो अपना इलिप्स है ये किसी पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये जो दूरी है ये हो गया ए sec थीटा बराबर, और ये जो दूरी है ये कितनी निकल गई बी कॉसेक थीटा। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये मिला करके कितना एरिया का ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल का एरिया जगड़ो हाफ बेस हो गया ए सेक थीटा और हाइट हो गई बी कॉसेक थीटा, यही तो हुई ना भाई, दोनों मिला करके हो गया ए बी बाई टू, ठीक है। और थोड़ा भी दिमाग चल रहा है तो आपका ये अपॉन में कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, श्योर है। ये आपका डेल्टा आया, आपको डेल्टा कैसा चाहिए मिनिमम, और डेल्टा मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए बी तो बदल नहीं सकता, बदल कौन सकता है, थीटा ही तो बदलेगा। तो साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा माने साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा किसी भी साइन का मैक्सिमम 1। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख लोगे ए बी अपॉन साइन टू थीटा और इसका भी मैक्सिमम, और मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर इज ए बी बाय 1, आंसर इज ए बी। तो मिनिमम एरिया इज इक्वल टू ए बी, सो सिंपल, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कोई बात एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। हुआ किसी का वैसे बहुत कम, क्वेश्चन है इफ लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का सेंट्रिक एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैंने थीटा पूछ रहा हूं एक तरह से, अच्छा चलो बताओ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, बाकी सब बता दूंगा मैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल दो आप, तो तुक्का मारो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, टेंजेंट क्या होगा एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाय ए, अभी तो लिखा है वो क्या है, वो असली टेंजेंट है, इसका असली टेंजेंट तो वो है ना, सरकार कह रही है ये, तो फिर क्या करूं, हाँ तो कर दो ना आप, थीटा आ जाएगा ना आपका
हाँ आ गया ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर। अच्छा जबकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई ए वाई साइन थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 है और गिवन ईओटी क्या है एक्स कॉस हाँ एक्स बटा ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू रूट टू। रूट टू के लिए ये कर दूं सही है। अब जिस दिन मैं कंपेयर करूंगा तो यहां जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं मैं आसान तरीका सोच रहा था लेकिन आसान कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है कॉस थीटा बटा ए ठीक है आराम से लिखे ना अपने को कितना जल्दी मैं सोच रहा हूं ए हटा करके देखें ज्यादा बढ़िया रहेगा रूट टू ए बराबर है इक्वल टू में कितना साइन थीटा डिवाइड बाई बी अपॉन में कितना 1 अपॉन में रूट टू बी इक्वल टू 1/1 बराबर। बी से बी हटा लो ए से ए हटा लो और ये रूट टू कहां जाएगा ऊपर तो फाइनली इट इज रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या कहते हो आप अपने पास थीटा की दो वैल्यू आ रही है एक ही आ रही है एक ही आ रही है एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 5/4 ओनली सही है क्योंकि दोनों को एक साथ 1 करना है साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ 1 एनीवे हो गया ना आसान आसान सा क्वेश्चन था। और सोचते हैं ये तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है अगला फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू अंडरूट 7 टू इलेक्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक तो cos थीटा sin थीटा क्योंकि अभी तक अपन EOT ऐसे ही निकालते हैं x cos थीटा अपॉन a लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब की बार आप इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 तो लिख ही रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1 लिख लें हाँ या ना। और लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंट जिसे अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं आप बोलो तो एक्स ओ नई 1 ले लू नहीं है और एक्स ओ नई 1 अपना आंसर हो जाएगा। अरे सोचो ठीक है ना। अच्छा और सोचते हैं और दिमाग लगाते हैं ये एक्स ओन आई वन अपना आंसर हो जाएगा तो पहले तो ईओटी तो बोलो एक्स ओन आई वन के लिए ईओटी बोलो एक्स एक्स वन अपन 1/3 और प्लस अपन इजगड़ 1 ये तो मेरी ईओटी हुई। सरकारी क्या है सरकारी क्या है गिवन ईओटी क्या है गिवन 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 है एक्स डिवाइड बाय रूट 7/3 सोचो वाई डिवाइड बाय रूट 7/4 इज इक्वल टू 1 कंपेयर कर सकते हो आप तो आंसर आ जाएगा क्या बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है कितना बता रहे 1/√7 कॉमा दोनों ही 1/√7 1/√7 अभी मिला लेते हैं तब तक कुछ लोग और भी कंपेयर तो कर ही लें। मैंने कहा अपन बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ना ऐसे भयानक भयानक से और आएगा एक नहीं आएंगे ये मेंस में ये पूछ करके खुश कर देगा वो आपको। और ऐसे दो क्वेश्चन नहीं हमारी पूरी शीट में दो क्वेश्चन के लिए तरस जाओ आप कि जिसमें ढंग की बात पूछ ले भाई एक तो काम की बात पूछ ली अगर ठीक है आपको ऐसा लगेगा पूरी शीट पूरी 30-30 क्वेश्चन की एक्सरसाइज 1 हो जाती है 30 की अगली हो जाती है लेकिन एक काम का क्वेश्चन नहीं पूछता पता नहीं क्या क्या पूछता रहता वो मेंस का नहीं पूछता आई मीन टू से है ना एडवांस लेवल की तो बहुत सारी बातें करवा लेता वो। अच्छा कंपैरिजन कर लें अपन है ना कैसे करें कंपैरिजन बताओ मैं लिख लेता हूँ 1/3x1 एक्स का कोफिशियंट नीचे वाले का एक्स का कोफिशियंट इज √7/3 सोच लिया आपने इज इक्वल टू
कितना 1 अपॉन में 4 वाई वन अपॉन अंडर रूट 7 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 1 सही है। अच्छा ये 3 और 3 गया, ये 4 और 4 गया, इसका मतलब 1 अपॉन में रूट 7 एक्स 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 7 वाई 1 इज इक्वल टू 1 कर दूं, एक्स 1 को उधर ले जाते ही एक्स 1 कॉमा वाई 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई रूट 7 कॉमा 1 बाई रूट 7 डन। आसान, एक और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप बाय सेंटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट एनी टेंजेंट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि ये आपका इलिप्स है, इसका सेंटर ये रहा, इसके किसी पॉइंट पे ये जो आपने पॉइंट एच कमा के मान लो या जो भी एक cos theta sin theta है ना, इससे अगर आपने परपेंडिकुलर डाला ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा। दिमाग लड़ो, तरीका सोचो, कुछ भी करके जुगाड़ लगाओ। एनी आइडिया, कुछ लग रहा है बनने का चांस पक्का? देखो सोच के जवाब देना जो मैं बताता हूं ठीक है। मैंने पॉइंट जानबूझ करके cos theta sin theta नहीं माना, इसमें कुछ अपने पास में मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता अपने को है ना। इस जगह मैंने हालांकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के होना चाहिए था ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को एच कॉमा के ले लेता हूं, ले लूं। हाँ यार नहीं है समझ में, ये पॉइंट एच कॉमा के लेने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि एच कॉमा के नॉर्मली लोकस के क्वेश्चन में उसको लिया जाता है जिसका मुझे लोकस पता करना हो, तो लोकस तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है, तो वही एच कॉमा के होना था। अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं इसे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ले लेता हूं लेट्स से, तो आपको पता है मैं दो दो पत्तों में फंस जाऊंगा। एक मेरे लिए एक cos theta, सारे अनजान है, सब अनजान, मैं चार चार अनजान लोगों से खेल रहा हूं नहीं है। अरे एक cos theta एक b sin theta मेरे को आइडिया ही नहीं होगा ना, कुछ भी आइडिया नहीं है। h और k भी अनजान, एक cos theta b sin theta भी अनजान, मैं x1 i1 तक नहीं उठा सकता, नहीं समझ में आया, मैं कुछ नहीं ले सकता। अगर मैंने x1 i1 ले लिया तो मैं मर गया। अब मेरे को h कोमा k से ही टेंजेंट पे चलना पड़ेगा, और अब आप सोचोगे कि एच कुमार से के से टेंजेंट पे कैसे चलूंगा, वो मैं बताता हूं आपको, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं लिखा वाई माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, लिख लिया, और मैं इस लाइन की स्लोप बता सकता हूं, अगर ये सेंटर से अटैच्ड है तो इसकी स्लोप जो होगी वो के बाई एच है, तो उसकी जो स्लोप होगी माइनस एच बाई के होगी, सोच लो आप। तो आपके पास में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आ गई जो इससे हमेशा परपेंडिकुलर रह रही है, लेकिन अभी इससे परपेंडिकुलर रहने वाली करोड़ों लाइन है, अरे इसे परपेंडिकुलर नहीं आने वाली करोड़ों लाइनें, मैं एक साथ सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसने टेंजेंट होने की कोई गारंटी नहीं ली है। हाँ, और मैंने भी नहीं बोला ये टेंजेंट है, मैंने तो एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकाली है जो एच कोमा के से गुजरे और सेंटर को मिलाने वाली लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर रहे। अब उस सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो हमेशा परपेंडिकुलर है उसको धीरे धीरे कहां लाना है, टेंजेंट पे। अगर वो टेंजेंट पे आ गई तो मैं दोनों को मिक्स करके दुनिया को बोल दूंगा ये वही टेंजेंट है जिस पर सेंटर से मिलाने वाला लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, तो एच के तो एफ हो जाएगा,
अभी मैंने ऐसे मतलब बट ऑब्वियस बात करी है मैंने, बस सिर्फ ये लिखा है। अब मैंने लिखा MOP इज इक्वल टू कितना बताया मैंने, माइनस का एच बाई के, सोच लेना ठीक है। तो मैंने ये लाइन की क्वेश्चन लिख दी, इट इज अ लाइन, मैं इसको ईओटी नहीं बोल रहा, थोड़ा और सफाई से लिख लेते हैं। इट इज के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस का एच स्क्वायर, यह हो जाएगा एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सोचते जाना आप ठीक है ना भाई। अपने पास जो भी लाइन की इक्वेशन आ रही है अभी अपन ने आधी दूरी से नोटिस कर लिए, राइट है। मैं थोड़ा और सफाई से लिख रहा हूं इसे, मैंने इसे लिखा के वाई, थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाने के लिए, माइनस एच एक्स प्लस के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो चुका है, राइट है। और इसका के भी छीन लिया, इसको यहां लिख लिया के और यहां लिख लिया के। अब मैं इसे जानबूझ करके ले आया हूं वाई इज इक्वल टू वाली फॉर्म में, ये भाई सी बना और सी बनते ही मैं इस पर टेंजेंट की कंडीशन अप्लाई करवाऊंगा, ताकि ये मजबूरन जहां भी घूम रहा है वहां से कहां जाए, टेंजेंसी पे। तो कहना मतलब ये कि फॉर दिस लाइन बीइंग टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के लिए अपन चाहते हैं कि इसका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के बोले तो सी शुड बी इक्वलेंट टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम 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 एम, इसका एम ये वाले का एम ले लूं, इसका एम कितना था माइनस एच बाई के, पक्का माइनस एच बाई के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर है ना, नहीं है। अच्छा और सोचते हैं, क्या आपको के कटता हुआ दिख गया, मुझे के कटता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है आपको भी। तो फाइनली यहां से मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सोच लिया अंडर रूट उड़ चुका है, मार्केट में आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ गया लोकस, खत्म हो गया अगली लाइन, सही है क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन में आएंगे, राइट टू टेंजेंट्स टू एन लिप्स टू टेंजेंट्स टू एन एलिप्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री टू टेंजेंट्स टू एन एलिप्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉर्ड्स which the auxiliary circle intersect on them is constant always dobara bolu two tangents to an ellipse intersect at 90 degree prove that the sum of square of the chords which the auxiliary circle intersect on them is constant always and equal to the square of and equals to the square of line joining the foci and equals to the square of line joining the foci, ठीक है भाई, कुछ लेवल की चीज़ है ये। एक्चुअली मैं क्या है ना, इस क्वेश्चन को सर्च ही कर रहा था, याद है भाई, खुद ब खुद नहीं कहीं पीछे था। एनीवे तो काम की बात क्या है, सबसे पहले काम की बात तो है इसका विचित्र सा डायग्राम, ठीक है भाई। देखिए साहब काम चलो डायग्राम बना देता हूं, ये ऑक्सिलरी सर्कल अपना, ठीक है, ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल, और इसमें ये अपन एक इलिप्स बना लिया, ठीक है, और ये जो भी इलिप्स है ना, इसका सेंटर और उसका सेंटर सेम होगा,
हालांकि अब क्वेश्चन में ये बोला है उसने कि इसके दो टेंजेंट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकरा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। तो अपन मान लेते हैं ये वो टेंजेंट है जो ऐसे गया, और क्योंकि 90 डिग्री पे टकरा रहे हैं तो 90 डिग्री वाला जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्टर सर्कल पे ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को दूसरा जो 90 डिग्री वाला टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो इट इज आउटसाइड, माने इन दोनों के टकराने का पॉइंट इज आउटसाइड, इट इज 90 डिग्री फाइनली। अच्छा ये पॉइंट इज, अभी कुछ नहीं इस पे, पॉइंट P1 P2 मान लेंगे इसको, तो ठीक है। और क्वेश्चन में दो फुकाई की बात भी करी थी, तो अपन इनको S1 और S2 बोल देते हैं, बराबर, वो सब बाद में देख लेंगे, अभी तो फिलहाल चाहते क्या है उस पर चलना है मेरे को, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये ऑक्सिलरी सर्कल पे जहां जहां कटा, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, दिख रहा है। अच्छा ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं ए बोलता हूं और इसको मैं अगर बी बोलता हूं, तो ये इस समय पे कॉर्ड है, ऑक्सिलरी सर्कल की कॉर्ड है, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल पर मिलते तो अंदर तो कट गए ना, तो अगर देखा था तो ये कॉर्ड होगी और दूसरी कॉर्ड यहां मिल रही है आपको, दिख रहा हो तो यहां ये जगह नहीं, ये तो पी पॉइंट है, पीछे कहीं मिल रही है, इट इज सी इट इज डी। तो पहली चीज जो मेरे को प्रूव करनी है ना वो ये कि कॉर्ड के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, सम ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिखवाया था अपने। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो पहली चीज तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरे को डायरेक्शन क्या रहेगी भाई मेरी। तो एक तो मेरे को मिल गया कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और आगे बोला कि न केवल कांस्टेंट बल्कि बराबर है फोकल लेंथ के स्क्वायर के सम के, ना फोकल लेंथ के स्क्वायर के, ऐसा कुछ लिखा ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये इन दोनों के इस लाइन के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो मैं S1 S2 ना बोल करके समझदार व्यक्ति बन जाते हैं अपन, अपने को ना केवल प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है, बल्कि अब ये क्वेश्चन आपके लेवल से बहुत ऊपर है, फिर बता देता हूं ना, आप इसे समझ जाओ यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपन इस पे ना आपको वैसे ही ऐसे नहीं बोल रहे कि हो ही जाएगा। अच्छा देखिए मैं पहले बताता हूं, किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड लेंथ निकालने का तरीका, ठीक है, तरीका बहुत सिंपल होता है। ए बी जैसे निकालना है तो पहले क्या करो, सेंटर से उसमें परपेंडिकुलर डालो आप कॉर्ड पे, जो कि इसमें मिड पॉइंट पे गिरेगी, आपको पता होगा। अच्छा ये मिड पॉइंट पे गिरेगी और परपेंडिकुलर गिरेगी। अच्छा ये जो लेंथ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ, लेट्स से इट इज P1, अगर ये P1 है तो ये हमारे को पता है ये रेडियस है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्कल है इसलिए इसकी रेडियस ए ही होगी, 100% ए ही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला ए, क्योंकि हमने 2a को डायमीटर लिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैप है ना, ये गैप, हाँ, अंडर रूट, इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला इस वाली कॉर्ड पे, तो यहां परपेंडिकुलर गिरेगा और इस पॉइंट को मिलाने पर इट इज ए इट इज P2, सोच लेना। और ये जो गैप आ रहा है दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये हो गया AP और ये हो गया CD, सीधे सीधे टारगेट आ रहे हैं मेरे को, एक तो निकालना है 2 times ए स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, और एक मेरे को निकालना है 2 times रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर, सोच लेना आप, राइट है। अब मैं आता हूँ P1 कौन है, ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ P1 क्या चीज़ है। P1 एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साहब, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, सोच लिया, 0 0 से किस पे, टू टेंजेंट एट एलिप्स, सही है ना भाई, टू टेंजेंट। अच्छा तो जैसे मैंने कहा टू टेंजेंट, तो टेंजेंट जगमगाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, दो टेंजेंट है ना कट रहे हैं, तो कहानी में वही M1 M2 है, तो M1 M2 है तो हमारे पास टेंजेंट लेने की मुसीबत है, हमको टेंजेंट यहाँ जग मार के MX प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, तो P1 मैं निकल रहा हूँ सीधे सीधे ट्वाइस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, अब P1 की जगह भर रहा हूँ सब, है ना, 0 0 से इस लाइन को जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मुझे ऐसी लाइन ऐसी दिखती है, MX माइनस Y प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा दिखती है मुझे ये लाइन है। तो आप समझ गए होंगे M मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस Y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, सोच लिया,
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, प्लस सी की जगह कौन चमकने लग गया, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आ जाओ एम स्क्वायर प्लस वन। नहीं सोच पा रहे आप, नहीं आया? अच्छा ये इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर होते ही अंडर रूट गया। एलसीएम में आपको दिखने लग जाएगा टू टाइम्स रूट ओवर, नीचे एलसीएम हो गया है एम स्क्वायर प्लस वन, सोचने वाला जानता है। एक आपको ए स्क्वायर एम स्क्वायर दिखेगा और एक ए स्क्वायर एम स्क्वायर जाता हुआ भी दिख जाएगा, कट गया मार्केट में रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। क्या आपको ए बी का स्क्वायर आ गया? आ जाएगा थोड़ी देर बाद, नहीं आया तो अभी भी आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। अभी देखना जरा दूसरे वाले की टेंजेंट की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ पी टू, पी टू क्या चीज़ है साहब, पी टू इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम जीरो जीरो टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू फर्स्ट टेंजेंट। सोच लिया आपने, जो ये पहला टेंजेंट था ना उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट की ओरिजिन से दूरी है। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी वो जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसकी इक्वेशन आपको m दिख रहा है, मुझे माइनस वन बाई एम एक्स दिख रहा है, अचानक से माइनस वाई बराबर दिख रहा है दोनों को। अंडर रूट के अंदर मुझे ए स्क्वायर बाय, याद आ गया आपको ये फील? इस बार मैंने इक्वेशन ही ऐसी ले ली कि वो आपको लास्ट में दोनों के परपेंडिकुलर होने की शर्त ही नहीं रखनी पड़ेगी। ये टेंजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली उसका परपेंडिकुलर ही निकलेगा, क्योंकि मैं m की जगह क्या लेके चल रहा हूं, माइनस का वन बाई एम। जब मैं ले ही माइनस का वन बाई एम रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऑटोमेटिकली, ये अगर टेंजेंट है तो उसका परपेंडिकुलर टेंजेंट हो रहा है। तो मेरे लिए इक्वेशन थोड़ा डरावना जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है ना, सब करना तो अपने ही को ही है। माइनस पी स्क्वायर, अब जिन्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आते हैं, एक्स का कोफिशियंट इंटू जीरो जीरो, वाई का कोफिशियंट इंटू जीरो जीरो, सी में आ जाओ, सी आपको दिख जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर, सोच लिया अपॉन, अपॉन में कितना, अपॉन में इसका थोड़ा ये बड़ा कर दें क्या, है ना भाई, प्लस माइनस अपॉन में कितना, वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, श्योर है आप? अच्छा इट इज टू टाइम्स, सोचते जाना, है ना, सब दिखेगा थोड़ी देर में। एम स्क्वायर कट गया एलसीएम में, ऊपर मार्केट में रह गया है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सोचने वाला समझ रहा है, अपॉन में कितना, वन प्लस एम स्क्वायर, सही है क्या? अब की बार ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया है और यहां रह गया है कितना, टू टाइम्स अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सोचना। और ये क्या रह गया, सी डी, और ये क्या है, ए बी, और हम क्या चाहते हैं, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर का सम कर दूं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सोच लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अपॉन में बेचारा वो मिस कर रहा होगा ना, वन प्लस एम स्क्वायर, क्या कहते हो आप, एलसीएम में आ गया है, नहीं है, फोर टाइम दिखा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, और प्लस में कितना, फोर टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि ये पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा वन और वहां से बचेगा, तो वन प्लस एम स्क्वायर से नीचे वाला वन प्लस एम स्क्वायर कट गया, मार्केट में क्या रह गया, फोर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज ए कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, तो पहली बात तो एक कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे पे भी यही आ जाओ, फोर टाइम्स, आप में से किसी को ध्यान हो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भैया इज इक्वल टू बी स्क्वायर होते थे, ये सी स्क्वायर हो गया, नहीं है, और सी बोले तो ए, तो ये हो गया फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसका मतलब टू ए का प्रूफ हो गया, एक साथ एक के बाद एक दो बैक टू बैक, ठीक है। ये एक सेकेंड ना, आप ये कॉपी कर लेना, बेल अपनी बजी थी ना तो इसलिए रुक जाओ आप एक बार, है ना। अपना पिछला पॉइंट आपने मेरे को बताया था 10.9 बता रहे थे आप लोग, है ना, 10.8 के बाद पॉइंट नंबर 11 मैं लिख के जा रहा हूं बस, ठीक है, बस आपको याद दिला रहा हूं। अब क्या अपन मिक्स गति करेंगे, आपको पता नहीं है, अपन ने सर्किल के सारे पॉइंट पैराबोला में नहीं उठाए थे, और हमें क्या करना है, सर्किल के पॉइंट ऑफ इलिप्स में लेने, क्योंकि सर्किल जैसी सकल है,
भाई को किसी ने तीन चार बार ठोका ही तो है तो आज भी सर्कल ही नहीं है। तो हिसाब से देखा जाए तो एलिप्स वाले सारे पॉइंट उठेंगे, और क्योंकि पैराबोला के बाद आए तो थोड़ा बहुत पैराबोला का टच भी लेगा, तो आपको पॉइंट नंबर 11 सोचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको याद दिलाता हूं, एक पॉइंट जो आपने सर्कल में सुना पर पैराबोला में नहीं सुना, कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा। सोचो क्यों बीटा नहीं याद आया, एक बार जरा कॉर्ड याद कर लेते हैं। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, याद आ गया आपको। इस बार जो पॉइंट होगा ना वो हो जाएगी कॉर्ड की इक्वेशन, लिख रहा हूं कॉर्ड हो जाएगा कितना एक्स, सुनो ये ए नीचे जा सकता है ना, ए नीचे जाएगा तो एक्स बाई और वाई बाई ए होगा। आपको यहां लिखना है एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू वाई बाई बी, क्योंकि सर्कल होता तो ए होता, इलिप्स है तो नीचे बी होगा और बाकी सब सेम चलता रहेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सही है। ये कॉर्ड है जो हमारे बहुत काम की है। अब क्यों काम की है, क्योंकि हमारे पास कॉर्ड के नाम पे अभी तक कुछ नहीं आया, तो आप सोचो कि पैराबोला में आया था क्या। पैराबोला की कॉर्ड की इक्वेशन याद दिलाता हूं, 2x माइनस वाई ब्रैकेट में t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 t2 बराबर 0, जिसकी स्लोप आपको याद है 2 बाय, याद आ गया। इसका मतलब अब जब स्लोप याद है तो कॉर्ड भी होगी ना कुछ, तो भाई आप ये तो मानते ही कॉर्ड होगी, बस मेरे को तो यही याद दिलाना था कि कॉर्ड थी, ठीक है। अच्छा इसकी कॉर्ड दिखती कैसी होगी, ऐसे ये लो, ये कौन है पी अल्फा, ये कौन है क्यू बीटा। अच्छा एक बच्चे के मन में जरूर रोचक प्रश्न आ सकता है कि सर ये पी अल्फा है क्या, क्या चीज है पी अल्फा, ठीक है दोस्तों बताएंगे हम के कॉस अल्फा बी साइन अल्फा है। अच्छा और क्यू बीटा क्या है सा, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा है, नहीं है। तो आप में से कोई सोच सकता है कि सर फिर ये आया कैसे। मैंने कहा देखो भाई पहली बात तो ये प्रश्न उठना ही नीचे आया कैसे, क्योंकि तेरे को तो याद करना है, ठीक है। लेकिन अगर उठ गया है, ठीक है, तो y माइनस बी साइन अल्फा मैं सिर्फ राइट हैंड साइड का आधा लिखूंगा, और आप में से कई लोग सोचेंगे x माइनस ए कॉस अल्फा, सोचो क्या लिखना था, स्लोप क्या, पी क्यू की स्लोप भरो जल्दी जल्दी भरो, क्या b कॉमन लेने को बोल रहे हो क्या, क्या साइन बीटा माइनस ओपन, आगे बोलो कर लोगे आगे, क्या कहते हो आप। इसको सॉल्व करने पर वो आया होगा, हमने ये सब कर लिए कब, सर्कल में है, और अब मान लेते हैं कि अब यही है। आप में से लेकिन कईयों को ये केवल ये पॉइंट याद नहीं आया होगा, ये आप में से कईयों को याद आया होगा कि ये पता है मैंने क्यों पढ़ा था सर्कल में, ताकि ये दोनों पॉइंट को किसी दिन जोड़े ना तो पीछे ये कहां जाके टकरा रहे वो पॉइंट बता सको आप। किसी को याद आया वो एच कितना था, मैंने उसकी ट्रिक सिखाई थी कि एच जब भी याद करना हो तो सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचो, सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा ए कॉस थीटा और वाई, तो यहां पे हो जाएगा ए कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू और वाई इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू और अंदर नीचे याद है किसी को कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस, एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी यहां भी रन होगी। जिन्हें सर्कल याद आता जाएगा उन्हें इलिप्स याद दिलाता जाऊंगा, एक साथ दो गुने फायदे। तो पहला तो ये हुआ ही हुआ, और सेकेंड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मेड एट पी अल्फा एंड पी बीटा, सही है। बस सिर्फ ये लिख के जा रहा हूं, अब की बार क्या फर्क पड़ने वाला है, याद भी पड़ा, बता सकते हैं अब की बार क्या होगा, एच और के में एच यही रहेगा या बदलेगा, तुक्के मारो क्या यही रहेगा, और के के में जहां वहां पर बी हो जाएगा बस। तो देखिए साहब बिल्कुल वही सर्कल ही है, ए कॉस ब्रैकेट में कितना अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कितना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और के बराबर कितना हो गया बी साइन
अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सही है, बस इससे ज्यादा नहीं कराना, ठीक है। इसके बाद की क्लास किसकी है? एजी सर की। हाँ वो तो वैसे भी नीचे ही होंगे भी, तो